हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्किटेक्ट अनीता खरखोदी। आजकल मार्केट में कर्टन्स की काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। बहुत तरह के डिज़ाइंस, पैटर्न्स, फैब्रिक अवेलेबल है मार्केट में। फैब्रिक्स की इतनी अवेलेबिलिटी को देखते हुए अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि मटेरियल किस तरह से सेलेक्ट करें अपने कर्टन्स का। तो आज मैं आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कर्टेंस की ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए हम इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज शेयर कर्टेंस। ये कर्टेंस काफ़ी हल्के होते हैं और 30% to 80% तक ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी पारदर्शी होते हैं। सेकंड कर्टेन टाइप इज सेमी ओपेक कर्टेंस। इनकी ट्रांसपेरेंसी 10% to 30% होती है। एंड थर्ड टाइप इज फुली ओपेक कर्टेंस, यानी कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर्टेंस। इन ये कर्टेंस 0% to 2% ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कम्प्लीटली ब्लैक आउट होते हैं। कर्टेंस की ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए मटेरियल सेलेक्ट करते हुए हमें सबसे पहले हमारे रूम की ओरिएंटेशन का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सनराइज ईस्ट डायरेक्शन में होता है और सनसेट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाइटर जोन्स हम इन्हें कह सकते हैं। इन जोन्स में धूप काफ़ी हल्की होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम शेयर कर्टेंस का ओपनली यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में सूरज जब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है तो धूप की इंटेंसिटी काफ़ी तेज हो जाती है और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन डायरेक्शंस में वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इनमें हमें फुली ओपेक यानी ब्लैक आउट कर्टेंस का यूज़ करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हैवी मटेरियल्स यूज़ करें यहाँ पर, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इन डायरेक्शंस में। लेकिन अगर आपकी विंडोज़ नॉर्थ वेस्ट, साउथ या फिर साउथ वेस्ट में हैं और आप ब्लैक आउट कर्टेंस यूज नहीं करना चाहते, आपको पसंद नहीं है, आपको शेयर कर्टन्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डबल रॉड्स का यूज़ करें कर्टन्स के लिए। इनमें पिछली रॉड पर आपको ब्लैक आउट कर्टन्स का यूज़ करना है और फ्रंट रॉड पर आप शेयर कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डबल रॉड्स भी नहीं यूज़ करना चाहते तो एक ऑप्शन और भी है कि आप शेयर कर्टन्स के पिछली साइड एक लाइनिंग लगवा लीजिए ब्लैक आउट कर्टन्स की या फुली ओपेक कर्टन्स की। स्टिच करके आप लाइनिंग लगवा सकते हैं, तो आपका जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। आप शेयर कर्टन्स चाह रहे हैं तो शेयर कर्टन्स आप यूज़ कर रहे हैं और धूप की इंटेंसिटी भी आपको परेशान नहीं करेगी। कर्टन्स को चूज़ करते हुए हमें अपने रूम की कलर स्कीम्स का भी ध्यान रखना होगा। हमारा रूम डेकोर टाइप क्या है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे कर्टन्स जो हैं बाहर नजरे में इंटीरियर का एक पार्ट दिखे। तो अगर आपके कलर स्कीम लाइट कलर टोन में है तो उसी तरह का आपको कलर कर्टन्स का भी चूज करना होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वान्टिटी ऑफ कर्टन्स। क्वान्टिटी ऑफ कर्टन्स हमारा डिपेंड करता है विंडो के साइज़ के ऊपर। आजकल मार्केट में तीन टाइप्स के कर्टेंस अवेलेबल हैं, तीन साइज़ के कर्टेंस। 4 feet by 5 feet कर्टेंस, 4 feet by 7 feet और 4 feet by 9 feet कर्टेंस अवेलेबल हैं मार्केट में। 4 feet किसी भी कर्टेन का स्पैन होता है, लेकिन कर्टेंस की प्लीट्स के अकॉर्डिंग और इनके रिंकल्स की वजह से अवेलेबल स्पैन 3 feet ही मिल पाता है। अगर आपकी विंडो 3 feet से लेकर 5 feet के बीच में है तो आपको 2 curtains खरीदने होंगे, जिससे कि ये आपकी विंडो के दोनों तरफ ये वन करके स्लाइड आप इनको कर पाएँ। अगर आपकी विंडो 5 feet से ज़्यादा है विड्थ में, तो इसके लिए आपको बीच में एक सपोर्ट सिस्टम देना होता है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 4 curtains खरीदें। बड़ी विंडोज़ के लिए आप 4 curtains खरीदें, 3 curtains को अवॉइड करें, क्योंकि जब हम curtains को डिवाइड करते हैं तो अगर आप 3 curtains खरीदते हैं तो एक साइड आपके 2 curtains हो जाएंगे एंड अदर साइड आपके सिर्फ एक ही कर्टन होगा, तो वो दिखने में ख़राब लगते हैं। तो इसलिए प्रेफरेबली आपको 4 curtains खरीदने चाहिए, सो दैट आपके लेफ्ट एंड राइट साइड में इक्वली
कर्टन्स डिवाइड हो पाए हैं। लेंथ हमारे पास तीन टाइप्स की अवेलेबल है मार्केट में, 5 फीट लॉन्ग कर्टन, 7 फीट एंड 9 फीट कर्टन। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी विंडो हाइट छोटी भी है तो भी आप 7 फीट का ही कर्टन परचेज करें, क्योंकि लंबे कर्टन्स, फुल लेंथ कर्टन्स इंटीरियर्स के लुक को एनहेंस करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं लंबे पर्दे। और अगर आपके विंडोज़ में वेंटिलेटर्स भी अटैच्ड हैं तो फिर आप 9 फीट वाले कर्टन्स की तरफ जाइए, 9 फीट का आप ले सकते हैं, अदरवाइज 7 फीट इज़ द बेस्ट फॉर कर्टन साइज। तो ये है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क कर्टन्स की शॉपिंग पर जाने से पहले, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी मदद करेगा मटेरियल सिलेक्शन में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।